हेलो एवरीवन, लखनऊ रेंटल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूँ। निवेदन करना चाहूँगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आज मैं आपको जो डायरेक्ट ओनर की प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ LDA अप्रूव्ड 4 BHK घर, जो कि LDA अप्रूव्ड कॉलोनी में है। और यहाँ पर आपको 12 मीटर की वाइड रोड मिल रही है, भूमिगत सीवर, भूमिगत इलेक्ट्रिक सप्लाई भी यहाँ पे अवेलेबल है, स्ट्रीट लाइट जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। और यहाँ पे कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स या पोल्स ओपन एरिया में नहीं दिखेगा, सब कुछ यहाँ पे अंडरग्राउंड है। तो सबसे पहले आप घर का जो फ्रंट एलिवेशन है वो देख लीजिए, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन का। आज मैं आपके लिए 4 BHK का घर लेके आया हूँ, और ये आप कॉलोनी का भी व्यू देख लीजिए, ग्रीनरी और ग्रीन एनवायरनमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी। और ये कॉलोनी पूरी गेटेड कॉलोनी है, 24 आवर्स गार्ड और वॉचमैन यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे 1500+ यूनिट्स हैं इस पूरी गेटेड कॉलोनी में। तो चलते हैं घर के अंदर, पूरा घर आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको घर का फ्रंट एलिवेशन दिखा दिया है, और फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये आप देखिए काफ़ी खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन का आज मैं आपके लिए डायरेक्ट ओनर का घर लेके आया हूँ। रोड के लेवल से पूरा घर 2.5 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंट्रेंस गेट आपको मिल रहा है, काफ़ी मजबूत लोहे का गेट मिल रहा है। इसके अगर वज़न की बात करें तो 2 क्विंटल का इसका वज़न है। और अब चलते हैं घर के अंदर। पूरा घर कॉलम, लटक बीम और टाई बीम पे बना हुआ काफ़ी मजबूत लोहा लाट घर है। और इसके निर्माण में जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है, सब ब्रांड का मटेरियल सर ने यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी कवर्ड पार्किंग मिल रही है, यहाँ पे आपकी फॉर्च्यूनर और इनोवा सेगमेंट की कोई भी गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी। पार्किंग अगर आप घर के अंदर ना करके बाहर भी करना चाहें तो यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे आपको 12 मीटर की वाइड रोड मिल रही है। पार्किंग एरिया के ठीक बगल में ही यहाँ पे आपको स्पेशियस लॉन एरिया मिल रहा है। इस लॉन एरिया में आप बच्चों की बाइसिकल खड़ी कर सकते हैं, 2 व्हीलर खड़ी कर सकते हैं। अगर आपको घर के अंदर प्लांटेशन पसंद है तो आप एक साइड में यहाँ पे फ्लावर पॉट्स लगा सकते हैं। यहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 टैप्स के यहाँ पे कनेक्शन दिए हुए हैं, एक आपका समरसेबल से अटैच है, एक आपका वाटर टैंक से अटैच टैप कनेक्शन है। घर में अंदर जाने के लिए यहाँ पे आपको 2 एंट्रेंस मिल रहे हैं। जितने भी आप यहाँ पे एंट्रेंस देख रहे हैं, सब में वुडन एलिवेशन का वर्क किया हुआ है, और काफ़ी स्पेशियस यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो चलते हैं ड्राइंग रूम से अंदर, और पूरा घर आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। यहाँ पे जो डोर्स आप देख रहे हैं, इसकी हाइट की बात करें तो 8 फिट हाइट की यहाँ पे चौखट का यूज़ हुआ है। यहाँ पे डोर्स में भी आप देख सकते हैं, डोर क्लोजर का सर ने यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे आपको डोर्स में और विंडोज़ में मस्किटो नेट के यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर्स मिल रहे हैं, और दोनों ही एंट्रेंस में ये डोर्स आपको लगा के दिए जा रहे हैं। स्टेयर्स के नीचे भी आप देख सकते हैं, ये आपका इन्वर्टर स्पेस है। सर से बात करके अगर इसको पूरा आप यहाँ से पैक करा देंगे वुडन फ्रेम से, तो आप ये समझ लीजिए स्टोरेज के लिए ये आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगी घर के अंदर। तो चलते हैं ड्राइंग रूम से अंदर। तो जैसा कि अब मैं ड्राइंग रूम से अंदर चल रहा हूँ, और मैं एक साइड में खड़े होकर यहाँ पे आपको ड्राइंग रूम का स्पेस दिखाना चाहूँगा। ये आप देखिए काफ़ी बड़ा और स्पेशियस यहाँ पे आपको ड्राइंग रूम मिल रहा है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी हाइट की विंडो मिल रही है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन, और आप देख सकते हैं सनरेज आपके प्रमाइसेस में डायरेक्ट अंदर आ रही है। यहाँ पे आपको मस्किटो नेट की विंडो, ग्लास, ग्रिल, तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको विंडो में मिल रही है। ये आप देखिए, ये आपका स्पेशियस ड्राइंग रूम, और इसमें टीवी पैनल भी सर यहाँ पे आपको बना के दे रहे हैं। आपको यहाँ पे फुल फॉल सीलिंग मिल रही है, फॉल सीलिंग यहाँ पे मुर्गा जाली पर बनी फॉल सीलिंग का यूज़ हुआ है। साइड में भी देखिए सर ने जो ब्लैक ग्रेनाइट लगाया है, इसका देखिए काफ़ी परफेक्ट लुक आ रहा है। सॉरी, ब्लैक टाइल्स जो लगाई है, इसका देखिए काफ़ी बढ़िया और परफेक्ट लुक आ रहा है। ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल के बीच में जैसा कि आप देख सकते हैं वुडन एलिवेशन वर्क किया है। और यहाँ पे जब आप कर्टन रॉड लगा देंगे तो आपका ड्राइंग रूम डाइनिंग हॉल एरिया से बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। ये आपका घर में अंदर आने के लिए ये सेकेंड एंट्रेंस है। और बेसिकली 2 एंट्रेंस होने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहता है कि अगर हमारे घर में गेस्ट बैठे हुए हैं गेस्ट रूम में, और घर की किसी भी लेडीज़ को घर के अंदर आना या बाहर जाना है, तो 2 एंट्रेंस होने से लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको सेकंड एंट्रेंस दिखा दिया है, ये आपका स्पेशियस डाइनिंग हॉल एरिया, इसमें आपको फुल फॉल सीलिंग मिल रही है। पूरे ही घर में आपको बालकनी और पार्किंग एरिया को छोड़ के पूरे घर में आपको यहाँ पे फुल फॉल सीलिंग मिलेगी।
तो ये आपका स्पेशियस डाइनिंग हॉल एरिया, यहाँ पे आप 6 to 10 सीटर डाइनिंग टेबल अगर बीच यहाँ पे प्लेस करेंगे तब भी आपको यहाँ पे कहीं पे भी कंजेशन नहीं फील होगा। यहाँ पे देखिए सर ने यहाँ पे वॉश बेसिन, मिरर, टॉवल हैंगर, सोप स्टैंड सब कुछ यहाँ पे लगा दिया है। ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं मिरर के ऊपर होल्डर का यूज़ किया हुआ है, सो दैट अगर आप यहाँ पे जैसे शेविंग करते हैं आपको एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत है, या आप कुछ भी मेकअप करते हैं एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत है, तो आप ऊपर लगे होल्डर में लाइट लगा के एक्स्ट्रा लाइट का यूज़ ले सकते हैं। डाइनिंग हॉल को अटैच करता हुआ ये आपका फुल्ली मॉड्यूलर किचन, और मॉड्यूलर किचन के एंट्रेंस के दोनों ही साइड आप देखिए सर ने जो वुडन एलिवेशन वर्क किया है विद लाइटनिंग, इसका देखिए काफ़ी परफेक्ट लुक आ रहा है। और ये आपका देखिए काफ़ी बड़ा और स्पेशियस यहाँ पे आपको मॉड्यूलर किचन मिल रहा है। आप सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा, आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव या नोन पर्सन अगर लखनऊ में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो, एलडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो परचेज करने के लिए डायरेक्ट ओनर की, तो प्लीज़ उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। एक दूसरे का सहयोग करने से ज़िंदगी बेहतर होती है, और यहाँ पर आपको हर नेशनलाइज्ड बैंक से आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा इस घर पे, चाहे स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी सेमी गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से आपको यहाँ पे फाइनेंस आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रेनाइट में आप देख सकते हैं डबल मोल्डिंग ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है। सामने आप जैसा कि देख रहे हैं हिंडवेयर की, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक चिमनी लगा के दी जा रही है। यहाँ पर आपको विंडो मिल रही है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन, और यहाँ पर सिंक भी आप देख सकते हैं, टैप्स सबका सारा कनेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे आपको पावर प्लग भी मिल रहा है, सो दैट अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस सच एज मिक्सी या इंडक्शन यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे दो साइड यहाँ पे आपको पावर प्लग लगा के दिया जा रहा है। और ये जो आप कैबिनेट्स देख रहे हैं इसमें भी लाइटनिंग का वर्क किया हुआ है, और बेसिकली ये वर्क लाइटनिंग का इसलिए रहता है कि अगर ऊपर आपने कोई भी सामान रखा हुआ है तो लाइट रहने से क्या रहता है कि पीछे की तरफ कोई भी डब्बा रखा हुआ है तो वो आराम से विजिबल रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी स्पेशल यहाँ पे आपको कैबिनेट्स मिल रहे हैं, और काफ़ी नंबर ऑफ कैबिनेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आप देखिए स्पेस आपको किचन में घर की माताओं बहनों के लिए बहुत ही परफेक्ट घर है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है। यहाँ पे भी देखिए कैबिनेट्स दिए हुए हैं, नीचे भी आपको कैबिनेट्स मिल रहे हैं। ये बास्केट्स आप देख सकते हैं विथ प्रोफाइल हैंडल्स, और काफी नंबर ऑफ बास्केट्स यहां पे आपको मिल रही है। और ये आपका पुल आउट, और इधर भी आपको बास्केट मिल रही है। तो किचन के स्पेस में आपको काफी कैबिनेट्स और बास्केट्स यहां पे मिल रही हैं। तो चलते हैं इसके फर्स्ट मास्टर बेडरूम में। डाइनिंग हॉल को अटैच करते हुए दोनों ही बेडरूम के यहां पे आपको एंट्रेंस मिल रहे हैं, इसमें भी देखिए वुडन एलिवेशन का वर्क है। और अब हम चल रहे हैं इसके फर्स्ट मास्टर बेडरूम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका फर्स्ट मास्टर बेडरूम है। दोनों ही बेडरूम्स में यहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम और अटैच वार्डरूम मिल रही है, फुल फॉल सीलिंग मिल रही है। और यहाँ पे देखिए जो टाइल्स का आउटलाइन सर ने बनाई हुई है इसका देखिए काफ़ी परफेक्ट लुक आ रहा है। ये आपका टॉप हाइटेड यहाँ पे आपको वार्डरूम मिल रही है जो कि हाइड्रोलिक बेस पे है। मैं इसका भी आपको स्पेस दिखा दूं, ये आप देखिए काफ़ी स्पेशियस यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल रही है, ऊपर भी काफ़ी अच्छी स्पेस आपको मिल रही है। तो ये आप देख सकते हैं ये आपका टॉप हाइटेड वार्डरोब, और इस बेडरूम से अटैच ये आपका वॉशरूम है। इसमें भी आप देख सकते हैं सोप स्टैंड, टॉवल हैंगर, मिरर, वॉश बेसिन, सैनिटरी की सारी फिटिंग्स आपको मिल रही हैं। टॉप हाइटेड यहाँ पे टाइल्स भी मिल रही हैं, टॉप टू बॉटम यहाँ पे टाइल्स सर आपको लगा के दे रहे हैं। और ये आपका इंडियन वॉशरूम है, इंडियन वॉशरूम आपका सेपरेट है और जो बाथरूम है वो सेपरेट है। यहाँ पे टॉवल हैंगर भी लगा हुआ है, विंडो है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन, इसमें ग्लास ग्रिल लगी हुई है लेकिन इसमें अभी जाली लगना बाकी है। यहाँ पे आपका गीजर सेट हो जाएगा। तो चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में, और इस बेडरूम से अटैच आपको वॉशिंग एरिया भी मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा और स्पेशल वॉशिंग एरिया कम ओटीएस है, और यहाँ पे आपको पावर प्लग मिल रहा है।
यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। वाटर सप्लाई के लिए आपको दो टैप्स के कनेक्शन मिल रहे हैं और देखिए काफ़ी बड़ा और स्पेशियस यहाँ पे आपको OTS कम वॉशिंग एरिया मिल रहा है। और यहाँ पे OTS और बेडरूम की फ्लोरिंग में आप देख सकते हैं एक इंच का डिफरेंस है और पूरा स्लोप जाली की तरफ है। तो चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में। तो ये इसका सेकंड बेडरूम का एंट्रेंस है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट बेडरूम की तरह सेकंड बेडरूम भी है। तो ये आपका सेकंड बेडरूम है, इसमें आपको फुल फॉल सीलिंग मिल रही है। साइड में भी यहाँ पे देखिए टाइल्स की आउटलाइन है। टॉप हाइटेड यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल रही है, काफ़ी अच्छी हाइट की यहाँ पे विंडो मिल रही है। और जैसा कि पहले वाले बेडरूम में क्या था कि यहाँ पे डोर दे दिया था, लेकिन यहाँ पे सर ने विंडो दी है। और साइड में भी देखिए वुडन पैनलिंग का वर्क किया हुआ है, बाथरूम के एंट्रेंस में भी वुडन पैनलिंग का वर्क है। ये बाथरूम आपके सेकेंड बेडरूम से अटैच है, ये आप देखिए काफ़ी बड़ा और स्पेशियस यहाँ पे सेकंड आपको वॉशरूम मिल रहा है। इसमें भी टॉप तक का टाइल्स लगाई हुई है, सिंपल POP का वर्क है और देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस यहाँ पे आपको वॉशरूम मिल रहा है, विंडो मिल रही है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। यहाँ पे भी वॉश बेसिन, सोप स्टैंड, टॉवल हैंगर, मिरर सब यहाँ पे सर ने लगा दिया है। ये आपके पावर प्लग है, यहाँ पे आपका गीजर अटैच हो जाएगा। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ और आपको जानकारी देना चाहूंगा कि फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम ऐसा ही पोर्शन बना हुआ है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो जैसा कि अब हम फर्स्ट फ्लोर पे चल रहे हैं और साइड में स्टेयर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे सर ने लाइटनिंग का वर्क किया हुआ है। जैसे कि शाम के वक्त जब आप ऊपर से नीचे आते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं, तो अगर आप ऊपर वाली लाइट में उतना नहीं दिख रहा है तो साइड वाली लाइट से थोड़ा सा इजीनेस हो जाती है। और यहाँ पे देखिए डबल मोल्डिंग ग्रेनाइट का स्टेयर्स में यूज़ हुआ है, स्क्वायर स्टील का सर ने पूरा पूरे घर में यूज़ किया है। और स्क्वायर स्टील बेसिकली इससे इजीनेस हो जाती है, इसको जब आप कवर करते हैं पकड़ते हैं घर के बुजुर्ग लोग, जैसे गोल वाली रहती है वो स्लिप करने का ज़्यादा उसमें चांसेस रहते हैं, रिस्की रहता है, लेकिन स्क्वायर वाली ज़्यादा बढ़िया रहती है। तो यहाँ पे सर ने स्क्वायर स्टील का यूज़ किया है। और ये आपकी कवर्ड बालकनी पूरा आप देख सकते हैं, लटक बीम कॉलम पे बना हुआ बहुत ही मजबूत घर है ये। और सर प्रोफेशनल आर्किटेक्ट भी है और आगे भी आप देख सकते हैं टफन ग्लास और स्टील का यहाँ पे यूज़ हुआ है। ये आप कॉलोनी का एक लुक देख लीजिए, मैं छत से चल के आपको भी दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कवर्ड बालकनी दिखा दी है, आगे भी देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो वॉशिंग पर्पज़ से भी इस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। टैप का आपको सामने यहाँ पे कनेक्शन मिल रहा है, पानी निकासी के लिए ये जाली दी हुई है। और यहाँ पे भी आपको जल्दी जल्दी दिखा देना चाहता हूँ कि पूरा पोर्शन सेम वैसा ही बना है जैसा कि ग्राउंड पे है। ये आप देखिए TV पैनल, ये ड्राइंग रूम, किचन, डाइनिंग हॉल एरिया, दो बेडरूम्स, ये आपका जैसा कि ग्राउंड में फर्स्ट बेडरूम है, अटैच वॉशरूम। मैं जल्दी जल्दी इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि जैसा आपने ग्राउंड में देखा आप कभी ज़्यादा समय ना वेस्ट हो। ये बस एरिया चेंज है, यहाँ पे वॉशिंग एरिया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जाल लगा हुआ है, बस इतना एरिया ये चेंज है, बाकी एज इट इज़ जैसा कि ग्राउंड में है वैसा है। ये आपका सेकंड बेडरूम, इस सोसाइटी की बात करें तो इसका नाम उमैक सिटी है जो कि अमर शहीद पथ पे है, आशियाना LDA कॉलोनी से हार्डली 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, रायबरेली रोड से 3 किलोमीटर है, लखनऊ कानपुर रोड से भी 3 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है। अब हम चल रहे हैं सेकंड फ्लोर की तरफ और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साइड में लाइटनिंग का आपको वर्क मिल रहा है, डबल मोल्डिंग ग्रेनाइट का पूरे घर में यूज़ हुआ है। डबल मोल्डिंग में बेसिकली खर्चा भी ज़्यादा आता है, सिंगल ग्रेनाइट पे अगर सर स्टेयर्स बनाते तो खर्चा कम आता, जैसे कि स्क्वायर स्टील का यूज़ किया है
राउंड वाली से ये महंगी रहती है। तो ऐसे ही सन ने हर चीज़ में अपग्रेडेड वर्जन यूज़ किया है और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। ये आपकी कवर्ड मुमटी, आगे भी आप देख सकते हैं विंडो दी हुई है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। इसमें काफ़ी मजबूत लोहे की ग्रिल और ग्लास आपको लगा के दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए जो आपका डोर है इसके आगे भी दो छत्ती ये आगे निकली हुई है 2 फिट तक का, सो दैट बरसात में बरसात का पानी आपके डोर पे ना गिरे। और यहाँ पे भी देखिए ये जो आपका मुमटी की फ्लोरिंग है और इसके बीच में 3 इंच का डिफरेंस दिया है ताकि आप छत पे आपका कितना भी पानी भरे तो आपके मुमटी एरिया में ना जाए। साइड में यहाँ पे देख सकते हैं सर ने पूरा टेपिंग का वर्क किया हुआ है। आगे भी देखिए यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत एलिवेशन वर्क है। और ये आप देखिए कॉलोनी का एक मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। छत पे वॉशिंग के लिए यहाँ पे आपको 2 टैप्स मिल रहे हैं। और ये आप देखिए ओमैक्स की टंकी है। और जब आप इस लोकेलिटी को विज़िट करेंगे तो यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा। OTS के ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शीट से इसको सर ने पूरा कवर कर दिया है। ये लोकेलिटी का आप एक व्यू देख लीजिए। ऊपर आपको 2 टंकी लगा के दी जा रही हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड रिलेटिव या नोन पर्सन से इसको शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस एंड ग्रेट डे।